के संकट काल और अब दुष्प्रभाव के चलते मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत जहां सरकार की ओर से कई मामलों में छूट दी जा रही है, वहीं न्यायिक व्यवस्था को भी पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में बुधवार को अचानक बिजली आपूर्ति बंद होने से ऑनलाइन कामकाज ठप हुआ। नगर के दाल उली नंबर 2 इलाके में बुधवार को दोपहर में दो सगी बहनों की मौत होने से सनसनी फैल गई। दोनों बहनों की मौत की वजह भूख और कुपोषण बताई जा रही। एक दिन पहले अतिक्रमणकारियों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के बावजूद बुधवार को मनपा के प्रवर्तन विभाग का दस्ता अतिक्रमण उन्मूलन कार्रवाई में बदस्तूर जुट गया। बुधवार को मनपा के उपद्रव शोध दल ने अलग अलग जोन में बिना मास्क घूमने वाले 124 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 62,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। चंद्रपुर से नागपुर गश्त कर रहे आरपीएफ जवानों ने एक यात्री के पास से 2.8 किलोग्राम गांजा पकड़ा। इसकी कुल कीमत लगभग 28,000 बताई जा रही। कोरोना संकट के बीच बर्ड फ्लू का साया पोल्ट्री उद्योग पर मंडराने लगा। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, केरल समेत कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की खबर से विदर्भ के पोल्ट्री उद्योग में भी दहशत मंडराने लगी। न्यूकामठी पुलिस ने मंगलवार देर रात अपराधियों की टोली को डकैती की तैयारी में किया गिरफ्तार। 4 आरोपी पुलिस के हाथ लगे जबकि 2 भागने में हुए कामयाब। शराबी पिता के रोज रोज के विवाद से तंग आकर मानसिक रूप से त्रस्त एक 16 वर्षीय किशोर ने अपने शराबी पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सक्करदरा पुलिस और जोन 4 की साइबर टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।